नमस्कार, मैं हूं अनामिका सिंह और आप देख रहे हैं इंडी न्यूज। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने स्ट्रीम प्रोजेक्ट जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने के लिए बिहार के तमाम जिलों में जाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति न सिर्फ लोगों को जागरूक कर रहे हैं, बल्कि लोगों से 19 जनवरी को मानव श्रृंखला में भाग लेने का आह्वान भी कर रहे हैं। अब सीएम नीतीश ने बिहार वासियों को खुला पत्र लिखकर मानव श्रृंखला को सफल बनाने की अपील की है। वहीं सीएम नीतीश के इस पत्र में लिखा है कि हमें नई पीढ़ी को ऐसा बिहार देना है जहां जल जीवन हरियाली हो, नशा मुक्त बिहार हो, ऐसा बिहार हो जो दहेज मुक्त हो और जहां बाल विवाह जैसे कुरीतियां खत्म हो। इसलिए 19 जनवरी को 11:30 बजे से 12 बजे तक हाथों में हाथ थामे विशाल मानव श्रृंखला बनाए। सीएम नीतीश की इस अपील के साथ ही इस मुहिम को सफल बनाने के लिए अब पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ता तक सभी मैदान में आ गए हैं। इसी सिलसिले में बिहार सरकार के 2 मंत्रियों ने नालंदा में पेड़ों का वितरण किया और लोगों को पर्यावरण का महत्व भी समझाया। बूथ स्तरीय कार्यक्रम के तहत नालंदा पहुंचे मंत्री श्रवण कुमार और नीरज कुमार ने कार्यकर्ताओं को सिर्फ छोटे छोटे पौधे दिए और पर्यावरण का मतलब भी समझाया। इसके साथ ही 19 जनवरी को आयोजित होने वाले मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए लोगों को जागरूक करने का टास्क भी दिया। इस मौके पर नीरज कुमार ने कार्यक्रम का महत्व समझाते हुए कहा, जब कार्यकर्ता स्वयं पेड़ पौधे का महत्व समझेंगे तभी लोगों को पर्यावरण को बचाने के लिए इसका महत्व समझा सकेंगे। इस तरह के इंटरकनेक्शन के पीछे का उद्देश्य यही है कि वही जल जीवन हरियाली अभियान को सफल बनाने और 19 जनवरी को मानव श्रृंखला को लेकर जेडीयू के कार्यकर्ता भी उत्साहित हैं। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से मिले पेड़ पौधे को पाकर जेडीयू कार्यकर्ता मनीष कुमार ने कहा कि ये अवसर मेरे लिए बेहद खास है। जी हाँ, पेड़ पौधे को लगाकर मैं भी पर्यावरण के लिए कुछ कर सकूं, ये मेरा सौभाग्य होगा।